पंची, हमें भी दुनिया देखनी है। हमें स्कूल नहीं देखना, हम आंखें बंद रखेंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे। अच्छा, बड़े पापा को कह दो ना कि हमें भी दुनिया दिखा दे। उदास नहीं होते बेटा, और आज तो आपने कितना अच्छा काम किया, गौरी को स्कूल हंसते हंसते भेजा ना। और आपकी मंजी ने आपको क्या समझाया, जो अच्छा काम करते हैं भगवान जी उनके साथ अच्छा करते हैं। हाँ बेटा, और हमेशा याद रखना, गली में खुशबू होती है ना, इसीलिए उसे फूल बनाया। आप मंजी की कली हो ना, और देखना एक दिन हमारी कली गुलाब के जैसे खिलखिला के हंसेगी और उसे सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है मंजी, हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। मंजी, आप भगवान जी से कह दीजिए कि कली अकेली है और बहुत इंतजार नहीं कर सकती। कह देंगे बेटा, हम कह देंगे। और तब पढ़ के पापा हमसे प्यार करें, कुछ तो दे दे अभी। हाँ बेटा, भगवान जी जरूर देंगे, और जिसने जो जो किया है ना आपके साथ, उसका हिसाब उन्हें जरूर देना होगा। ठीक है। लो, दिखाई ही नहीं दे रही है। आ, सवेरे सवेरे विविध भारती की तरह बजना शुरू हो गई हो। अरे हाथी को धूल से और मधुमक्खी को फूल से अलग रखा जा सकता है का? आधे दिन के लिए थोड़ी देर के लिए अलग क्या हुई, वही काली के साथ चिपकी बैठी है। आप हमारी प्रिंसेस को हाथी कह रही है जेठी बाऊजी? अरे नहीं तो का, हमारी पूछी पाई धूल है, मधुमक्खी है। अरे काहे बात का बतंगड़ बना रही हो माधुरी, बात का मूल समझने की कोशिश करो ना। हम सब समझते हैं, आप मूल तो बोली ही नहीं थी, आप मधुमक्खी बोली थी, हाथी बोली थी और धूल बोली थी। जरा पकड़ो। अरे दिया लेके तीनों लोग में घूमेंगे मैं ना, तब भी तुम जैसे बड़बक कहीं नहीं मिलेगी हमें। अरे चोट लग रहा है। अरे फिर भी तुम्हारे दिमाग को पिटोड़ा नहीं खुल रहा हो। तांबा चमके आम से और किस्मत चमके काम से, आज हमने जो काम किया है उससे जरूर हमारी किस्मत चमकेगी।